हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लगातार बीमार पड़ते हैं और अधिक धन खर्च होता है, आप परेशान चिंतित रहते हैं, तो आप इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरल विधि, ऐसी साधना बताएंगे जिसको करने से आप हमेशा निरोग हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ मजबूत हो जाएगा, आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न चित्त रहेगा और आप हमेशा अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो ये एक साधारण और सरल विधि है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आप अपने घर पर ही इसको आसानी से कर सकते हैं और आपके घर में दुख दरिद्रता का नाश करने वाली ये विधि है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिशाली साधना है, इसको करने से आप अपने अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो इस साधना को हम बताते हैं, आप इसे वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको साधना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आपको सुबह स्नान ध्यान के पश्चात उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होना है और संकल्प के रूप में इस मंत्र का मन ही मन स्तवन करना है। ओम अद्य शुभ पुण्यतिथो श्री सवित्र सूर्य नारायण प्रियर्थम मम दीर्घायुष्यारोग्य धनधान्यादि वृद्धिर्थे चा श्री सूर्य नमस्काराख्यम कर्म करिष्ये। इस मंत्र द्वारा ध्यान योग नमस्कार कीजिए। धेया सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीट हारी हिरणमय वपुर्धृत शंख चक्रः। अब निम्न मंत्रों का जप करें। ओम मित्राय नमः, ओम द्रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्र रवि सूर्य भानु खग पूष हिरणगर्भ मरीचादित्य सवित्र कभास्करेभ्यो नमः। इसके बाद हाथ में जल लेकर इस मंत्र का मन ही मन पढ़कर आचमन करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याध विनाशनम सूर्यपादोतकम तीर्थ जठरे धारयामि हम। यहाँ तक की साधना अकाल मृत्यु का हरण करने वाली तथा सभी प्रकार की व्याधियों का नाश और आरोग्यता प्रदान करने वाली है। इसके बाद यदि आप इस मंत्र का भी उच्चारण करेंगे तो आपको स्वास्थ्य के साथ ही धन दौलत और अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर शास्त्रे सुदारित्य मनोप जायते। तो यह एक साधारण और सरल विधि है, इसको आप नित्य प्रातः करके आप अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो मैंने जो आपको विधि बताई कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।